एक हाथ से अनबॉक्स करने की निंजा टेक्निक दिखाता हूँ आज आप लोगों को। भाई जिस हिसाब से इसकी पैकेजिंग है ना, मेरे को लग तो नहीं रहा जितने पैसे मैंने दिए इसके लिए वो वर्थ इट है। अगर तुम बोलोगे तो मैं कल में ही इनको उड़ा दूंगा। देखो कितने सारे थे लोग, सब अलाउड है जो करना है। अरे ये नहीं, ये अलाउड नहीं था। Hey guys, good morning, welcome back to a new vlog. क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो सॉरी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेली व्लॉगिंग फिर से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैं तीन तीन चार चार दिन में सिर्फ एक व्लॉग डाल रहा हूँ, सिर्फ एक, वो बहुत गलत बात है। आज से लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेली व्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 11:42, मतलब दिन के बोलेंगे पता नहीं यार, जो भी बोलेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ। और तुम्हें पता ही है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का बन चुका हूँ, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ। तो मैं उठ के एकदम नहा वहा के रेडी हो चुका हूँ मस्त एकदम। अब मेरे को जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। उससे पहले हमारे पास एक पार्सल रिसीव हुआ, ये मैंने ऑर्डर किया था। एंडी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये खुला है पहले, उसके बाद इसको इन्होंने पैक किया फिर से टेप से। लग नहीं रहा ये किया ही है इन्होंने, टेप निकाल लिया उसके बाद फिर से इसको डिटेल लगाई है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं, क्या पता हमारा प्रोडक्ट जो है वो चोरी वोरी तो नहीं हो गया। चलो देखते आ जाओ, क्योंकि गाइस इस पे एड्रेस वाला जो स्टिकर है वो तो चिपका हुआ है उसी के ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या है ये। चलो जी, तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड मेरे कर्टन्स भी कुछ दिनों में आने वाले हैं, तब तक मुझे ये मस्त सा व्यू देखना पड़ता है अपने रूम से डेली। वैसे फिर भी देख सकता हूं, बट फिर थोड़ा कवर हो जाएगा ना। बट ये देखो क्या प्यारा व्यू है, और आज बादल है, थोड़ी धूप निकली हुई। बट इसको कट कर, इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरे पास को भी उस तरफ से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एड्रेस ना दिख जाए। देखो एक हाथ से अनबॉक्स करने की निंजा टेक्निक दिखाता हूँ आज आप लोगों को। ये देखो, चलो वैसे ये खुला हुआ है पहले, उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर टेप लगाई है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये बाहर से आया है, इंडिया से नहीं आया है। तो शायद जब इंडिया में रिसीव होता है तो उसके बाद ये लोग चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद इसको फिर से पैक करते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। बट ये खुला हुआ है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है शायद। इसको आने में भी ऑलमोस्ट 10-11 दिन लग चुके हैं। ओके, तो गाइस ये है अपना प्रोडक्ट एंड ये रहा, ठीक है। और कुछ है इसके अंदर? और कुछ नहीं है। ये तो आई थिंक पता नहीं खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, क्योंकि इसमें कोई टेप वेप नहीं है, तो इसको हम देख नहीं सकते खुला है कि नहीं। सो गाइज, ये है एक वायरलेस चार्जर एंड ये 3-in-1 है। मेरे को 3-in-1 चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पर ये हार जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक चार्जर लगता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा वो मची हुई है, बहुत सारे चार्जर है मेरे पास, एक ही पॉइंट है। कैसे लगाऊं और इसके अंदर रखना पड़ता है, बाहर निकालूंगा तो पूरे में इतना गंदा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा। और मेरा फ़ोन अभी चार्ज हो रहा है। चलो ये है, इसमें क्या है, मेरे एयरपॉड्स भी चार्ज हो जाएंगे, जो कि बहुत कम चार्ज रहते हैं। ये देखो अभी तो चार्ज है फिलहाल। और मेरी वॉच जो है ये भी हमेशा चार्ज नहीं रहती है, देखो ऑफ ही पड़ी हुई है, तो ये भी चार्ज हो जाएगी एक टाइम पर, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। और ये गाइस सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, मैंने सारे देखे, सबसे महंगा भी यही था और सबसे बेस्ट भी यही था। तो अब देखते हैं कि सच में बेस्ट है, जितना बेस्ट बताया गया है या उतना बेस्ट भी है, देखते हैं। ओके भाई, जिस हिसाब से इसकी पैकेजिंग है ना, मेरे को लग तो नहीं रहा जितने पैसे मैंने दिए इसके लिए वो वर्थ इट है। क्योंकि ये यार, ये वाला जो प्लास्टिक का, ये भाई खिलौनों में मिलता है ना, मेलों में खिलौने मिलते हैं, उसमें होता है ऐसा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ। बट चलो क्या बोल सकते हैं, अभी चार्जर की क्वालिटी से ही पता लगेगा क्या है। तो ये कुछ है, मैं इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग, हमारी एप्पल वॉच भी चार्ज पे लग चुकी है एंड एयरपॉड्स भी लग गए भाई, लग जा। हाय गाइस, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं गया था एक स्किन के डॉक्टर के पास, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिम करने से स्ट्रेच मार्क्स से आ जाते हैं, तो मेरे आर्म्स पे आ गए थे, तो थोड़े मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाते हैं। एंड साथ में मैंने वो भी बात की, मेरे देखो फेस पे इतने सारे तिल है ना, ये देखो ये इतने सारे तिल हो चुके हैं, तो इनके हटाने के लिए भी लेजर ट्रीटमेंट है, गायब हो जाएंगे, गायब जादू से एकदम। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं इनको हटा दूंगा। ऐसे बहुत ज़्यादा हो गए, मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे नहीं हटाऊंगा, कुछ जगहों पे छोड़ दूंगा, सारे हटाने चाहिए। कमेंट करके बताओ, बहुत सारे कमेंट होने चाहिए आज के ब्लॉग पे। फिर अगर तुम बोलोगे मैं सुबह कमेंट पढ़ लूंगा, अगर तुम बोलोगे तो मैं कल में ही इनको उड़ा दूंगा। देखो कितने सारे दिल हो चुके, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी शायद है छोटा सा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत सारे यार। चलो एक सेकेंड इसको बंद कर देता हूँ, शोर आएगा नहीं तो। आज अभी हम बनाने वाले हैं प्रोटीन शेक, ठीक है, प्रोटीन शेक बनाएंगे। एंड आज मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं प्रोटीन शेक मैं नहीं बनाता, तो मम्मी बनाते, लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक प्रोटीन शेक बनाया जाता है। आ जाओ, चलो दोस्तों। पहले तो गाइस ये रहा अपना छोटा सा मिक्सर जो मैंने उस दिन खरीदा था, आपको याद ही होगा, और ये इसमें लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दूध, डालते हैं, चलो कितना डाला जाए देखते हैं, इतना नहीं, थोड़ा और, बस काफ़ी है क्या गाइस? तो कम लग रहा है मेरे को, पर ये बहुत हो जाता है क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ डालने वाले हम लोग, काफ़ी इतना सोच रहा हूँ, थोड़ा और डाल देते, नहीं तो बहुत गाढ़ा बन जाता है और फिर पीने में ना दिक्कत आ जाती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
रॉ डालते हैं। वैसे भी दूध तो अपनी सेहत के लिए अच्छा ही है। अब बारी है गाइस प्रोटीन की, तो मैं भी फिलहाल ये ऑन का प्रोटीन यूज करता हूँ। तो अब डालते हैं इसके अंदर हमारा प्रोटीन पाउडर, ठीक है, एक स्कूप डालना है अपने को, ठीक है। और ये है शायद, कौन सा फ्लेवर है ये पता नहीं यार, बनाना फ्लेवर है शायद या चॉकलेट है, कितना मुझे याद नहीं अच्छे से, बट ऐसा ही कुछ है, बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा। चलो जी, ये भी जा चुका है। चलो अब क्या डलेगा इसके अंदर, अब जाएंगे गाइस इसके अंदर दो केले और इसको काटना पड़ेगा। गाइस केला मैंने भी एक ही डाला है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर एक की जगह दो केले डाल दिए ना तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो एक केला काफ़ी है। अब हम लोग डालते हैं इसमें पीनट बटर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने इसमें पीनट बटर भी डाल दिया, एंड मैं यहाँ पर एक स्टोरी बना रहा हूँ अपनी टाइम स्लिप्स लगा के बढ़िया तरीके से कि कैसे लड़के किचन में काम करते हैं। और ये हो चुका है रेडी, अब रेडी नहीं मतलब अब इसको डालेंगे, इसको बंद करेंगे इससे, ऑल सेट, एंड ये स्टोरी डाल दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, होपफुली अच्छी बनी हो। ओके सो गाइस रेडी है हमारा शेक पीने के लिए। ओके सो गाइस फिलहाल अभी हमें जिम में, एंड आज हम लोगों ने किया है नॉट बाइसेप, आज हम लोगों ने किया है बैक प्लस ट्राइसेप। ये देखो तुम्हारे भाई की ट्राइसेप, लाइट थोड़ी खराब है, नहीं तो तुम्हारे भाई के भाई साहब बहुत बढ़िया है भाई, लाइट ही खराब है थोड़ी। ये देखो भाई, ये बंदा, ये वो बंदे हैं जो 3 दिन जिम आते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं 15 तारीख से आऊँगा, 1-15 तारीख गई, अब ओ भाई आराम से यहाँ बच गया ना सर्वर, मर जाएगा मस्त। ये वो बंदे भाई, और रुक जा लड़ो मत, लड़ो मत भाई। अब और इस बंदे की वेंस देखो गाइस, आप लोग बताओ इस बंदे की वेंस ऐसी क्यों है, नहीं दिखा, एक मिनट रुक जा, वेंस दिखा अपनी गाइस, क्या ये बंदा ना जिम जाता है ना ये बंदा डाइट लेता है, मतलब क्या राज है इसकी वेंस है। प्रज्वल इधर आ, क्या राज है इसकी वेंस का, एक छोटी सी दवाई आती है वो लेता है, क्या है उसका नाम, गलत चीजें लेता है भाई, ऐसी गलत चीजें आप मत खाओ, ऐसी गलत चीजें खा के बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है, नेचुरल रहो, नेचुरल हमारी तरह एकदम। ये देखो गाइस फ्लैक्स नहीं कर रहा है गाइस, बस फ्लैक्स नहीं, कुछ नेचुरल नहीं है भाई, ये नेचुरल है। ये भाई तू रहने दे भाई, उसकी फिर भी ठीक है, तू रहने दे भाई, तू रहने दे। उसकी बॉडी भी बिना जिम जाए भी बढ़िया है, और इसकी बॉडी ठीक है। अच्छा पंजा लड़ाओ तुम दोनों, मैं देखता, इधर आओ, पंजा लड़ाओ, आज देखते जरा किस में कितना दम है, गलत चीज़ें खाने वाले में या सही चीज़ें खाने वाले में, ठीक है। चलो करे, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक ही राउंड होगा, ठीक है, ये मत बोलना दोबारा कराओ, ठीक है, नहीं बेस्ट ऑफ टू होगा, 3 राउंड होंगे, जो 2 जीत गया वो जीत जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3 भाई कौन जीतेगा, दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे एक दूसरे को भाई, कुछ तो कर ले, डोला देख ले अपना, उसका डोला देख ले भाई, कुछ तो शर्म कर ले आकाश, कर कुछ, ओ भाई नहीं, कुछ नहीं, सब अलाउड है, जो करना है, अरे ये नहीं, ये अलाउड नहीं था। चलो दो राउंड और है, आ जाओ, दो राउंड और है, नहीं ये नहीं करना, लेकिन ये नहीं करना, ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, लो सन्नी भी आ गया, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, चलो भाई ये ना हाथ ऐसे नीचे करो, पूरा जोड़ के रखो, 1, 2, 3 स्टार्ट, दोनों में जान नहीं है बिल्कुल भी, ओ भाई ये देखो कैसे, ये देखो हरा दिया, अरे यार मेरे को लगा, ओ भाई ये जीत गया सन्नी के साथ, प्रज्वल तू, हाँ तेरा और सन्नी का, आ जाओ, चलो देखते हैं किसको करना है भाई, आओ जल्दी आओ, चलो गाइस अब देखेंगे सन्नी क्या आकाश से जीत पाएगा, इतना टाइम नहीं है भाई, जल्दी करो, 1, 2, 3 स्टार्ट, चलो जी अब देखते हैं गाइस, सन्नी जी इतना बोलता है, 1 साल से जिम कर रहा है, देखते हैं गाइस क्या होता है, ये देखो थोड़ा तो हिला दे इधर उधर, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई हरा दिया, ओ भाई बहुत सही, चलो अब एक बार मेरे साथ सन्नी आ जा, चलो भाई चलो रोशनी भी जाओ
यार इसके नाम नहीं होना यार। चलो भाई चलो भाई कर रहे हैं। 2 3 गो जमीन बॉक्स में। ओए ओए भाई ये तो ये बनेंगे बॉक्सर।